हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा थर्ड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पहले दो वीडियो में कन्वर्जन ऑफ एंगल्स देखा है कि एक एंगल को कैसे डिग्री मीजर में है तो कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग इसके आगे का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में चलते हैं, जो 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या था। किसी राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, और इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। अगर ये थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन याद होगा, साइन थीटा डिफाइंड है। साइन थीटा कैसे डिफाइंड था, तो किसी एंगल का साइन थीटा, ये साइन थीटा है, साइन ऑफ थीटा, साइन इनटू थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये डिफाइंड कैसे था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल। तो दिस इज ए बी अपॉन इस। इसी तरीके से कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा डिफाइन कैसे है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपान ए सी, और कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर बी सी अपान ए बी, सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपान बेस ए सी अपान बी सी, एंड कोसेक थीटा क्या था, कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एसी अपॉन ए। ये सब कुछ हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो अभी आज इस वीडियो में 10th का ही थोड़ा बहुत आपका रिवीजन हो रहा है। 10th क्लास में हम लोगों ने तीन स्पेशल टाइप की आइडेंटिटी पढ़ी थी, उस आइडेंटिटी को भी यहाँ देखेंगे और बहुत कुछ ऐसा देखेंगे। देखते हैं कैसे क्या है। ये कोसेक थीटा हो गया। इसके बाद कुछ ये भी देखा कि साइन थीटा जो लिखा हुआ है ए बी अपान ए सी, अगर इस चीज को लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपान ए सी अपान ए बी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी ऊपर चला जाएगा, और ए सी अपान ए बी, देखिए ए सी अपान ए बी जो है कोसेक थीटा के बराबर, तो इसकी जगह लिख सकते हैं कोसेक थीटा, यानी वन अपान कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू वन अपान कोसेक थीटा, या फिर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये चीज जो होता है साइन थीटा इक्वल टू वन अपान कोसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल रिलेशन। इसी तरीके से आगे देखेंगे कि cos थीटा इक्वल टू क्या था, cos थीटा इक्वल टू था 1 अपॉन sec थीटा, यहां पे देख लेंगे ये आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा है bc अपॉन ac, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, इसके अंदर रिटन है 1 अपॉन ac अपॉन bc, और ac अपॉन bc है sec थीटा, तो ये पूरा हो जाएगा आपका sec थीटा, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन sec। ये हुआ cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, या फिर cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इज इक्वल टू 1 ये भी, एंड सिमिलरली tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा ये भी क्या आएगा 1 आएगा। तो जहां tan थीटा है वहां 1 अपॉन cot थीटा,
tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 upon tan थीटा, उसी तरीके से cos थीटा इक्वल टू 1 upon sec थीटा या फिर sec थीटा इक्वल टू 1 upon cos थीटा, ये सारी चीज़ें ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था। और ये कुछ और लिखा है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किल है, ये क्या है एक सर्किल, यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है, इस सर्किल का रेडियस 1 है, ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट सर्किल। तो ये रेडियस इसका कितना है 1, इसका रेडियस क्या है ये 0 है, ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 1,0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-1, ऐसा हो जाएगा। ये यूनिट सर्किल है, इसका रेडियस 1, ठीक है। इस पर अगर कोई पॉइंट हम चूज कर ले, सपोज दैट दिस इज ए पॉइंट ए कामा, ये पॉइंट ए कामा बी, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है ए कामा बी, ए कामा बी का मतलब होता है अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो ए नाम रख दिया, इसका क्या नाम रख दिया, या इसका नाम क्यू रख, क्या नाम रख दिया पी क्यू टोटल। तो ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू ये किसके बराबर होगा, ओ क्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ए के बराबर होगा, और ये जो पी क्यू होगा पी क्यू दिस इज इक्वल टू ये बी के बराबर, ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा अगर इस एंगल को हम थीटा बोले थोड़ी देर के लिए, इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा भी राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का मतलब ओ क्यू अपॉन ओ पी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा ओ पी कॉस थीटा। अब आप हमको बताएंगे ये ओ पी कितना होगा, क्योंकि ये इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट, रेडियस कितना रखा है मैंने 1, इसीलिए इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना 1 है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0, ऐसे ही यही ऐसे रोटेट करते हुए आगे चलेगा। तो ये रेडियस कितना है 1, ठीक है, ओ पी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ओ क्यू इक्वल टू कॉस थीटा, ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ओ क्यू की वैल्यू ए रखा गया है, ओ क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने ए कामा बी लिया है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर ए कामा बी है इसका मतलब यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ए हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपको क्या मिलेगा आर ए इक्वल टू कॉस थीटा मिलेगा, ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा कॉस थीटा। अब बात करिए इसी तरीके से पी क्यू, अगर पी क्यू की बात करेंगे पी क्यू इक्वल टू बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट ए कामा बी है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब साइन थीटा अगर इसमें अप्लाई करें, साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपान ओ पी, पी क्यू अपान ओ पी, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू अपान ओ पी। तो साइन थीटा देखिए, अब ओ पी चूंकि 1 है तो पी क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी दिस इज ओ पी साइन थीटा, एंड ओ पी साइन थीटा, ओ पी मीन्स द रेडियस ऑफ द सर्किल दैट इज 1, हेंस पी क्यू इक्वल टू साइन थीटा, और पी क्यू का मतलब बी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी इस सर्किल पर
अगर हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले और उसका कोऑर्डिनेट ए कामा बी रखें, सर्किल कैसा है, यूनिट सर्किल है, पहले से बता दिया जा रहा है ये सर्किल कैसा है, यूनिट सर्किल दिया गया है। यूनिट सर्किल का मतलब क्या होता है, द सर्किल व्हिच रेडियस इज 1, इसका रेडियस 1 यूनिट। तो ये ए बी अगर दिया गया है, ए इक्वल टू आपको मिला cos थीटा और बी इक्वल टू मिला sin थीटा, यानी सर्किल पर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो होगा वो cos थीटा और sin थीटा हो, cos थीटा और थीटा क्या है, इस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो उसके और एक्स एक्सिस के बीच में बनने वाला वो एंगल, ठीक है, cos थीटा और sin थीटा। अब देखिए अगर हम OP की बात करेंगे, OP क्या है, OP इक्वल टू है 1, OP यहां पर OP इक्वल टू दिस इज 1, OP क्या है, रेडियस बाय सर्किल का क्या है, रेडियस है, और ये रेडियस कितना है 1। और OP को हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में कैसे निकाल सकते हैं, OP कैन बी फाउंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये जो ओरिजिन है इस ओरिजिन का क्वाड्रेंट होगा 0, 0, ये तो 0, 0 होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है आपको, OP इक्वल टू कैसे निकलता है ये भी याद होगा आपको, ये वन है, OP इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में अगर x1 y1 x2 y2 है तो उनके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका पॉइंट है a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, 1 ही यूनिट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 ही आना है, r इट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, आप होल स्क्वायर कर दीजिए अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और a की वैल्यू क्या है, a इक्वल टू है cos थीटा, b इक्वल टू है sin थीटा, यहाँ रख दीजिए, दिस इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हमेशा याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हटा देते हैं, ये पहली आइडेंटिटी हो गई, तो पहली आइडेंटिटी जो है यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा है, क्या करें इसी में हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड तब कर सकते हैं कॉस थीटा जब 0 के बराबर ना हो, ये भी देख लीजिएगा, अगर कॉस थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, और कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब है कॉस थीटा 0 का होता है पाई बाई 90 पर 0 हो जाता है, 3 पाई बाई 2 70 पे 0 हो जाता है, फिर 5 पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो इसको क्या करें डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों साइड में, इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा और एक क्वेश्चन में डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ भी डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये होना है 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी आइडेंटिटी मिली, ये किसके लिए मिलेगा फॉर ऑल थीटा बिलोंगिंग टू द रियल नंबर, थीटा क्या होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है ओनली एक्सेप्ट 2m
माइनस वन पाई बाई टू या प्लस वन भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, वेयर एम इज आई एम इंटीजर। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में से इसको बाहर कर दो। इसको बाहर करने का मतलब है कि अगर एम की वैल्यू आप जीरो रखेंगे तो माइनस पाई बाई टू आ जाएगा, एन की वैल्यू वन रखेंगे तो पाई बाई टू आ जाएगा, एन की वैल्यू टू रखेंगे तो थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, एन इक्वल टू फोर रखेंगे, एन इक्वल टू फोर रखेंगे तो ऐसे ही सेवन पाई बाई टू आ जाएगा। इन सब पर क्या होता है कॉस थीटा, इन सभी पर कॉस थीटा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये कॉस थीटा जीरो इक्वल टू जीरो कब होता है, वेन जब थीटा ये होता है। और अगर जीरो हो जा रहा है तो cos थीटा मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा, वन पांच ये जो cos थीटा है इस पर जीरो हो जाएगा, तो sec थीटा पर डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि sec थीटा होता है वन अपॉन cos थीटा, तो वन अपॉन cos इस एंगल पर डिपेंड नहीं है, यानी वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज वैलिड ओनली और व्हेन थीटा इज अ रियल नंबर। ये बिलोंग्स टू दिया है शायद आप कौन सी क्लास में है, 11 में बिल्कुल तब आप पढ़े होंगे, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस सेट, अगर इस सेट में रहेगा तो ये दूसरी आइडेंटिटी है, इतना ध्यान नहीं देना है कहाँ नहीं करता, जहाँ नहीं करेगा जहाँ जरूरत होगी बताएंगे। और तीसरी आइडेंटिटी वो क्या है, जैसे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते तो ये बन जाता कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वन हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, यानी वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करते हुए हम लोग आगे और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हटा लेते हैं। आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे प्रूव करना है। टेंथ क्लास में सीखे थे वही बताया हूँ, उसका प्रूफ बताया हूँ, और उसके बाद अब आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये है पहला क्वेश्चन कि
cot power 4 theta plus cot square theta is equal to prove करना है तुमको, हमको prove करना है cosec power 4 theta minus cosec square. cot power 4 theta plus cot square theta is equal to cosec power 4 theta minus cosec square. यहाँ पे cot power 4 theta है प्लस ये है cot square theta. तो यहाँ से cot square theta हमको लगता है कॉमन मिल जाएगा. अगर cot square theta कॉमन मिल गया तो यहाँ बचेगा cot square theta और यहाँ बचेगा प्लस 1. ऐसा बचेगा cot square theta कॉमन ले लिया, cot square theta plus 1 बचा. अब cot square theta plus 1 is equal to अभी देखा cosec square theta होता है, तो ये तो cosec square theta हो जाएगा. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. और ये चीज है इसको भी क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे देखिए, हमने क्या सीखा, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. तो यहां से cot square theta की वैल्यू निकल के फाइंड आउट है cot square theta. cot square theta क्या हो जाएगा, cosec square theta minus cot. ये सब cot square theta equal to क्या हो गया, cosec square theta minus cot. तो इस cot square theta की जगह क्या लिखेंगे, cosec square theta minus cot. दिस इज cosec square theta minus cot मल्टीप्लाई बाय 1 plus cot square theta. 1 plus cot square theta क्या है, cosec square theta into cosec square theta. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, cosec square theta cosec square theta से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, cosec power 4 theta. cosec power 4 theta पावर ऐड हो जाता है और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो तो माइनस cosec square theta. यही प्रूव करना है. यहाँ से हमने एलएचएस स्टार्ट किया और वही लाना था. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पहुँच गया. मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा. इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. इसमें प्रूव करना है कि साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर. देखिए क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें. ठीक है, एलएचएस, एलएचएस क्या है, साइन की पावर 6 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा. तो क्या करें हम लोग, इसको साइन स्क्वायर का क्यूब लिख लें और इसको कॉस स्क्वायर का क्यूब लिख लें ताकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर सकें. This is equal to sin square theta का पूरे का क्या करने यहाँ पे cube and plus cos square theta इस पूरे का क्या whole cube. ऐसा हो गया. अब ये a cube plus b cube कैसा हो, a cube plus b cube क्या करेंगे, एक bracket में a plus b, a cube plus b cube का formula याद होगा, a cube plus b cube इक्वल टू होता है ए प्लस बी
इन वन ब्रैकेट, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, यही होता है। तो यही अप्लाई करें, ए की जगह है आपका साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह है कॉस स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ब्रैकेट में ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए भी है, यानी कि ये ए है पूरा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा साइन पावर फोर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस पावर फोर थीटा एंड माइनस ए भी, माइनस ए इंटू बी, ये ए है और ये भी, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बंद करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम है क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ा है, तो दिस इज इक्वल टू वन, तो बचेंगे क्या, वी आर लेफ्ट विथ ओनली, ये वन हो जाएगा, बचेगा यही ब्रैकेट साइन की पावर फोर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, यहां पहुंच गए। देखिए लाना जो है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, अगर इसको देखेंगे ये sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखा हो, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब होना चाहिए था प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, जो कि नहीं दिख रहा, तो मैं इसको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए इस तरह, तो कैसे बना सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये एक्चुअली लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, तो आप जा रहे हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अगर और मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं है यहाँ पर, तो नहीं है तो उतना हम ऐड कर लें और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हम क्या ऐड कर लें, प्लस टू टाइम्स ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टू टाइम्स ए बी का मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आया गया, ठीक है, ये ए है तो ए का स्क्वायर है, ये बी है बी का स्क्वायर है, तो टू ए बी चाहिए तो टू ए इंटू बी, मैंने इतना ऐड कर दिया, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात हो गई, ये तो इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाने का पूरा काम कर दिया, बाकी आगे वाला टर्म बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ है तो उसको बचे टू रहने दी, आगे लिख लो, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस, ये ऐसा हो गया, और ये दोनों बेचारे अपने घर में एक साथ हो जाएंगे, ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो ऐड हो जाएगा माइनस में, माइनस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, वन का स्क्वायर करेंगे वन ही आएगा, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द राइट हैंड साइड के ही प्रूव करना, ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब ये ट्रिग्नोमेट्री में आगे आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे, और इस लेक्चर को अब यहीं पर बंद करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।